टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। परफेक्ट कंपटीशन के तहत फर्म का शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम दो तरीके से बयान किया जा सकता है। नंबर वन, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। नंबर टू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, इस तरीके के मुताबिक फर्म उस लेवल ऑफ आउटपुट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करता है जहां उसकी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है और टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है, जिसके नतीजे में उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इस डायग्राम के मुताबिक टी आर जो है टोटल रेवेन्यू का है। टी आर का ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टोटल रेवेन्यू भी जीरो है। टी सी टोटल कॉस्ट का है जो कि एफ से स्टार्ट होता है। इसकी वजह यह है कि ओ एफ फर्म की टोटल फिक्स कॉस्ट है। फर्म की मिनिमम टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए हम टोटल रेवेन्यू के पैरेलल टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो हमें ई पॉइंट जो है डिटरमाइन होता है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने से हमें पता चलता है कि फर्म जो है ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है जिस पर उसकी टोटल मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू पी एम है और मिनिमम टोटल कॉस्ट ई एम है। इस तरीके से फर्म का टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पी है और ये फर्म की इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर फर्म अपने लेवल ऑफ आउटपुट चेंज करते हैं तो वो इस काबिल नहीं होगी कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें और इस तरह वो इक्विलिब्रियम पर भी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर वो ओ एम डैश और ओ एम डबल डैश लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें तो वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हासिल करती है क्योंकि इस इन लेवल ऑफ आउटपुट्स पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है।